नमस्कार दोस्तों, एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया की मांग को लेकर पूर्णिया की जनता लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और लगातार 3 रविवार पूर्णिया के आरणशाह चौक पर धरना प्रदर्शन की और आज वो कसवा प्रखंड में आए हैं और ये कसवा का नेहरू चौक है। आज नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन कर रही है पूर्णिया की जनता और कसवा की जनता आज ज़्यादा भाग ले रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में और पूर्णिया से भी जो लोग पूर्णिया में धरना प्रदर्शन पर बैठते थे आज वो सभी लोग भी आज कसवा में ही उपस्थित हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये धरना स्थल है। मैं इस धरना स्थल पर जो व्यक्ति अभी बैठे हुए हैं पूर्णिया के नागरिक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बात करके बताऊंगा और मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया की मांग अब तक क्यों नहीं मानी गई, आखिर कब मानी जाएगी, ये सब कुछ वही बताएंगे। आज एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया की मांग को लेकर आज कसवा में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? जो कि पूर्णिया में पहले हो रहा था, लगातार 3 रविवार पूर्णिया में आयोजित हुआ और चौथे रविवार में आज कसवा में आयोजित हो रहा है, तो क्या कसवा में जो आयोजन हो रहा है इससे कुछ लाभ मिलने वाला है? एकदम लाभ मिलेगा। यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी नागरिक हैं सबका समर्थन है और आज जो है वैश्य महासम्मेलन के संयोजक अनिल कुमार जी के द्वारा जो यहाँ पे रखा गया प्रोग्राम, इसमें आज सभी बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन है और एक जो होना चाहिए कि एयरपोर्ट का मांग लोगों को यहाँ से जाने में, दिल्ली हो या कोलकाता हो या मुंबई हो, कोई भी आज के डेट में बीमार पड़ता है तो लोगों को यहाँ से 200 किलोमीटर लगभग दूर बागडोगरा जाना पड़ता है जिसमें कि रोगी का रास्ते में ही डेट हो जाता है, इसलिए एयरपोर्ट पूर्णिया में बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ये जानकारी है कि एयरपोर्ट में बाधा कहाँ उत्पन्न हुई है अभी? हाँ, हमें तो जानकारी है कि 15 एकड़ ज़मीन जो हाईवे से जोड़ना है उसी में बाधा हो रही है और कुछ प्रशासनिक का लापरवाही बोलिए या मिस्टेक बोलिए, जो जमीन दक्षिण करना था अधिक वो हो गया उत्तर, नहीं उत्तर में करना था, हाँ वो दक्षिण हो गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष कुमार, कसवा नगर परिषद उप मुख्य पार्षद। उप मुख्य पार्षद है कसवा नगर जी। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जनप्रतिनिधि से क्या आग्रह करेंगे एयरपोर्ट पूर्णिया को लेकर? मैं जितने भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद जी हो, विधायक जी हो या मेरे कस्बा विधानसभा के अभी जो विधायक एवं सहमंत्री भी हैं, सब जो है इसमें पहल करें और जल्द से जल्द एयरपोर्ट चालू करवाएं। ये कसवा प्रखंड का ये नेहरू चौक है और नेहरू चौक पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में ये आयोजित की गई है। यहाँ पर जो अभी पूर्णिया के नागरिक हैं, मैं उन नागरिकों में से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इन लोगों की मांग कब मानी जाएगी। आज चौथा रविवार है और आज चौथे रविवार को आप लोग पूर्णिया को छोड़कर कसवा आए हैं, क्या लगता है कितना रविवार और लगेगा? कस्बा तो कर्मभूमि और जन्मभूमि मेरा दोनों ही है। चूँकि कस्बा में शिक्षा और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, यहाँ से लोग जो है नई नई भावना लेके, नई नई सोच लेके आगे बढ़ते हैं, इसलिए पूर्णिया जिला का पहला बैठक पूर्णिया से बाहर हो रहा है, इसके लिए हमको खुशी है। अभी आप बताएं कि मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि है, तो सबसे पहले आप परिचय भी दे दीजिए। आप मेरा नाम डॉक्टर ओपी शाह हुआ, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ और लेकिन कर्मभूमि मेरा पूर्णिया है। पूर्णिया में मेरा नर्सिंग होम है, नीलम नर्सिंग होम, और लगभग 25 साल से मैं पूर्णिया में रह रहा हूँ। इस एयरपोर्ट में आपको क्या लगता है कि किस व्यक्ति के कारण, किस अधिकारी के कारण, किस नेता के कारण ये परेशानी आज उत्पन्न हुई है कि लगातार आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है? यह तो बहुत ज्वलंत समस्या है यहाँ के लिए, चूँकि बागडोगरा और दरभंगा एयरपोर्ट दो है, दोनों जो है मिलिट्री एयरपोर्ट है, दोनों जगह जाने में कम से कम 4 घंटा का समय हम लोग का व्यर्थ होता है और पैसा जो है अलग से खर्चा होता है,
तो इस संदर्भ में जो है पूर्णिया में एयरपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग का जन्म जब से हुआ तब से हम लोग चूनापुर एयरपोर्ट को जानते हैं। पहले तो मिलिट्री बेस्ड है, अभी भी मिलिट्री बेस्ड ही है, लेकिन यहाँ भी प्लेन उतरती है, जेट उतरता था और अभी भी उतरती है। और यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस, किसी को ज़रूरत पड़ता था तो एयर एम्बुलेंस यहाँ आती थी और अभी भी आती है। और ज़रूरतमंद को जो पैसा खर्चा कर सकते हैं एयर एम्बुलेंस में, उसको लेके लोग इलाज के लिए पटना और दिल्ली जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब जो परेशानी बताए, क्या इन परेशानियों से स्थानीय जनप्रतिनिधि अवगत नहीं है जो इस आपके ये एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के लिए वो प्रयास करें? यहाँ के इस सीमांचल के सारे जनप्रतिनिधि यहीं के हैं, कोई बाहर से आके तो बसे नहीं हैं, उनको तो यहाँ का कण कण मालूम है। लेकिन बात एक है कि इस देश में ना नेता की कमी है ना नीति की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है। अगर नीयत उनका पाक साफ हो और अगर वो करना चाहें तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके नीयत में खोट है। अगर वो अपने निजी हित को छोड़ के जनहित के बारे में अगर सोचे तो मुझे नहीं लगता है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही सरकार में हैं, अभी हमारे वर्तमान सांसद जो हैं वो जनता दल यू से हैं, ठीक है, और लेसी सिंह माननीय जनता दल यू की मंत्री हैं, हमारे आफाक साहब जो कस्बा के विधायक हैं मंत्री हैं जो बिहार सरकार में हैं। अब केंद्र सरकार की बात करें तो भाजपा के हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर बाबू हैं, एमएलसी दिलीप जायसवाल जी हैं जो तीन जिला से वो एमएलसी बनते हैं, और हमारे बीच मंचन केसरी हैं, हमारे सदर विधायक विजय खेमका साहब हैं। अरे भाई हमें कमी कहाँ है जनप्रतिनिधियों में? सभी जनप्रतिनिधियों की नीयत में कमी है। तो आपको नहीं लग रहा? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इतनी समीक्षा करते हैं, आप इतनी लेखनी लिखते हैं, आपको नहीं लग रहा कि अगर जिस जनप्रतिनिधि के चाहने से और करने से सरकार से ये काम, सरकार से काम कौन कराता है? पब्लिक तो नहीं कराती, पब्लिक तो तब उतावलापन में आकर के धरना प्रदर्शन करती है जब जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुनते हैं, काम नहीं करते हैं। तो यह दुख का विषय नहीं है? आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपको तो खुद मालूम है। तो ये 15 एकड़ जमीन कब मिल जाएगा? अरे 15 एकड़ जमीन मिलने के लिए 15 मिनट समय बहुत है। जनप्रतिनिधि आज मेरे साथ चले जिला पदाधिकारी के साथ, और महज संजोग है कि अभी हमारे बीच जो जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार है, शायद मेरी जानकारी सही हो तो, जो यहाँ के सदर के अनुमंडल पदाधिकारी रह चुके हैं पूर्णिया सदर के, और पूर्णिया सदर अनुमंडल में ही ये जो है आपको ये है चूनापुर हवाई अड्डा है। तो सवाल का उनको तो सारी भौगोलिक स्थिति पता है, कितना सा 15 मिनट समय लगेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहेंगे तब तो। आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार साहा मेरा छोटा सा परिचय है, संयोजक प्रमंडलीय अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, यही मेरा, ठीक है, प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं आप? ना अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष हमारे डॉक्टर ओपी साहब, संयोजक है। ये जो अभी जो आप बताइए प्रमंडलीय अखिल भारतीय भारतीय संयोजक, उसके संयोजक आप हैं और अध्यक्ष डॉक्टर ओपी शाह जी हैं? ओपी शाह जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा पहले। जी मैं आरती जायसवाल जी। आरती जायसवाल, यानी आप पहले यहाँ पूर्णिया में कार्यरत थी? सही 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 पहचाना है सर आपने। और मेरी यही उम्मीद है कि सारे प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे पूर्णिया के जागरूक हो गए हैं, काफ़ी आवाज़ उठा रही है, लगातार मैं देख रही हूँ हर संवाद में आ रहा है कि यहाँ होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, और यह अब दैनिक जीवन में इसके होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी बन जाएगा एयरपोर्ट और सभी को सुविधा हो जाएगी, यही उम्मीद है। हम आपसे जानना चाहेंगे जी, मेरा आप, नाम आप किसको इसमें जिम्मेवार ठहराते हैं कि अब तक 15 एकड़ जमीन या फिर एयरपोर्ट का जो मांग है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, आप किसे इसका जिम्मेवार ठहराते हैं? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद साह, मैं यूको बैंक से सेवानिवृत्त प्रबंधक हूँ
और रिटायरमेंट के बाद मैं पूर्णतः समाज सेवी हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें मैं किसी भी सरकार को, न भारत सरकार न राज्य सरकार को, मैं पूर्ण रूप से दोषी मानता हूँ। अगर दोषी हैं तो दोनों हैं। मेरी बस संक्षिप्त ये प्रार्थना है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि दोनों सरकार अपने अपने अहम को, अपने अपने जिद को छोड़कर हम जनताओं को ये सुविधा जल्द से जल्द प्रदान करें, और जब भी अहम छूट जाएगा तुरंत ये काम हो जाएगा। इसमें केवल अहम आड़े आ रहा है और कुछ नहीं। कब तक चलेगा ये आंदोलन? मैं सबसे पहले जितने लोग हमारे धरना पर आए हुए हैं, समाज सेवी हैं, मीडिया कर्मी हैं, सबसे पहले उन लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने इस महफिल में आकर के, इस इजलास में आकर के हम लोगों का जो हिम्मत अफजाई किया, मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उससे पहले एयरपोर्ट का आगाज हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक किसी ने, शायर ने कहा है, देखिए कोई भी महफिल हो या कोई भी धरना हो, जब तक आवाम का साथ नहीं देंगे ये हम कामयाब नहीं सकते। किसी शायर ने ये भी कहा है कि मैं अकेला ही चलाता जानेबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानेबे मंजिल मगर, लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। आज कारवां की शक्ल में आज हम लोग बैठे हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव के पहले एयरपोर्ट का आगाज़ ना किया गया तो हम लोग इस 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम ही नहीं, हम लोग पूरे इलाके, पूरे सीमांचल में जा करके लोगों को पैगाम देंगे, भाई तुम लोग, हम लोग मिलजुल करके चुनाव का बहिष्कार कीजिए जब तक एयरपोर्ट न बन जाता है। मैं ना मोहम्मद इरफान कामिल हुआ, मैं पूर्व वार्ड पार्षद नगर परिषद कस्बा पूर्णिया। चलिए, ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और जब तक एयरपोर्ट की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं मुकेश सिंह द न्यूज़ 19 से हूं, लेकिन बीबीसी में भी ये खबरें छप चुकी है। मैंने कई बार दिखाया है लेकिन बीबीसी में भी ये खबरें छप चुकी है, वीडियो जारी हो चुका है। और वो बीबीसी है जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि बीबीसी पर खबर चलने का मतलब है कि देश और विदेश सभी जगह लोग जान गए, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं जान पाए हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण अब तक क्यों लंबित है, क्यों रुका हुआ है इसका निर्माण। और यदि वो प्रयास करे, जैसा कि यहाँ पर धरनार्थी जो बोल रहे थे उसके अनुसार से, यदि जनप्रतिनिधियों की नीयत सही हो तो एयरपोर्ट का निर्माण कोई असंभव कार्य नहीं है, वो जल्द भी पूरा हो सकता है और 2024 से पहले भी एयरपोर्ट की मांग पूरी हो सकती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन आंदोलनकारियों की आवाज़ को क्यों नहीं सुनी जाती है। जब बीबीसी जैसी संस्थान द्वारा खबरें प्रसारित की जाती है, देश विदेश में खबरें प्रसारित होती है, ये धरना का भी खबर कल के अखबारों में छपेगा। और जब जब धरना प्रदर्शन हुआ है कि सभी अखबारों में खबरें छपती रही है और वो सभी अखबारें सभी जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर होता है और जब वो जगते हैं तो सबसे पहले अखबार के पन्नों को ही पलटते हैं, तो फिर वो सिर्फ अपनी तस्वीर को देखकर इस धरना स्थल की तस्वीर को वो कैसे भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।